कहते हैं कि जब कोई दुनिया छोड़कर चला जाता है तो बस उसकी यादें ही साथ रह जाती हैं। और आज जब बॉलीवुड और टीवी एक्टर कुशल पंजाबी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं तो इसी के साथ वो अपने पीछे तमाम यादें भी छोड़ गए हैं। और आज हम आपको कुशल पंजाबी की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनकी यही कहानी और उनकी यही यादें उनकी फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस के साथ हमेशा रहेंगी। कुशल पंजाबी का जन्म 23 अप्रैल 1982 को एक सिंधी फैमिली में हुआ था। उनके पिता कराची से थे और उनकी मदर हैदराबाद से, लेकिन कुशल मुंबई में ही पले बड़े थे। स्कूल और कॉलेज के टाइम से ही कुशल काफी एक्टिव थे। उन्हें साइकिलिंग, स्केटिंग, स्विमिंग और डांसिंग का बहुत शौक था और उन्हें ट्रैवलिंग का भी काफी शौक रहा था। कुशल पंजाबी ने अपना करियर मॉडलिंग और डांसिंग से शुरू किया था। साल 2000 में कुशल पंजाबी ने ग्लैडब्रैक्स मैनहंट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। वहीं ईयर 1997 में कुशल श्वेता शेट्टी के पॉप सॉन्ग दीवाने तो दीवाने हैं के म्यूजिक एल्बम में भी नजर आए थे। इतना ही नहीं, कुशल एक ट्रेन डांसर थे। उन्होंने श्यामक दावर के साथ एक डांसर और ट्रेनर के तौर पर काम भी किया था। कुशल ने टीवी करियर की शुरुआत 1995 में आए अ माउथ फुल ऑफ स्काई से की थी, लेकिन इसके बाद कुशल को टीवी पर बड़ा ब्रेक मिला जी टीवी के शो लव मैरिज में। इसके बाद कुशल ने कई बड़े बड़े टीवी शोज किए। इसके बाद वो इश्क में मर जावा, कसम से, देखो मगर प्यार से, डॉन सहित कई और भी सीरियल्स में भी नजर आए। इसके बाद कुशल ने कई फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि लक्ष्य, काल, सलामे इश्क और धन धना धन गोल। हालांकि एक्टिंग स्किल्स के साथ साथ कुशल ने अपनी फिजिक पर भी बहुत काम किया था। मॉडलिंग के दिनों से लेकर अब तक कुशल का ट्रांसफॉर्मेशन गजब का रहा था। मॉडलिंग डेज में अगर आप कुशल को देखेंगे और उन्हें अगर आप अब देखते तो आप ये पाएंगे कि कुशल ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत मेहनत की थी। जाहिर है अपने पिक्चर्स में कुशल इतने फिट और हेल्दी दिख रहे हैं और कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस हंसते खेलते चेहरे के पीछे इतना गम छुपा होगा। कुशल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। उनका शव बांद्रा के घर में फांसी पर लटका हुआ मिला था। पुलिस ने मौके से कुशल का सुसाइड नोट भी बरामद किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया और कुशल पिछले कुछ समय से काफी परेशान भी चल रहे थे। आपको बता दें कि कुशल बांद्रा के अलशीद बिल्डिंग के फ्लैट में रहते थे। उन्होंने नवम्बर 2015 में यूरोपियन गर्लफ्रेंड एंड्री डोलहेन से शादी की थी और दोनों का 3 साल का एक बेटा भी है। लेकिन घटना के वक्त कुशल की वाइफ और उनका बेटा कहाँ थे, इस बारे में पुलिस अब जांच करने में जुट गई है। वेल, क्रेजी फॉर बॉलीवुड की तरफ से भी कुशल पंजाबी को भावभीनी श्रद्धांजलि।